हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1, मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हॉट रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे सेकेंड और थर्ड प्रोसेस, जो कि है पियर्सिंग, जिसे कहा जाता है सीमलेस ट्यूबिंग भी, और थर्ड प्रोसेस है हॉट स्पिनिंग। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये दोनों प्रोसेस देखते हैं। So let's start with the hot piercing. This process is also called as seamless tubing or roll piercing. So let's see this process in with the help of figure. So here is the figure. So you can see the two rolls over here, the bottom one and the top one. These are the piercing rolls, and a solid billet is inserted in between this roller. आप जानते हैं कि billet किसे कहते हैं? एक hot मोल्टन मेटल को। ठीक है, जो हॉट मोल्टन मेटल होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिलेट। एक राउंड सॉलिड बिलेट को हम क्या करते हैं? इस रोल्स के बीच में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और एक मैंड्रेल की हेल्प से इस हॉट बिलेट को पियर्स करते हैं। ठीक है, पियर्सिंग करते हैं। आप जानते होंगे पियर्सिंग को हिंदी में कहते हैं छेदना, किसी चीज़ को छेदना। ठीक है, होल गिराना। इस मेटल के हेल्प से हम इस हॉट बिलेट के बीच में एक छेद गिराते हैं, तो क्या होता है, इस कैविटी को, जिस तरह का ये मेटल का शेप होगा उसी तरह का क्या होगा, यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाएगा। अगली फिगर देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होगा ये जो सर्कुलर हॉट मोल्टन मेटल है उसमें इस मेटल के हेल्प से पियर्स किया गया है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक कैविटी बन गया। बस यही प्रोसेस है जो हम इसे कहते हैं हॉट पियर्स। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग थीन वॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली राउंड ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। इसे सीमलेस ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, सीमलेस ट्यूब क्यों? क्योंकि इसमें कोई सीम नहीं होता, यानी कि ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है ना, कोई ज्वाइंट नहीं होता है। अगर कोई ज्वाइंट देते हैं हम, तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएंगे? वेल्ड प्रोसेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई ब्लैंक शीट है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर ब्लैंक शीट है, उसे हम सर्कुलर बेंड कर दें और जाते हुए दोनों ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे वेल्ड कर दें, तो वो ट्यूब कैसा बनेगा आपका? वेल्डेड ट्यूब होगा। ठीक है, ज्वाइंटेड ट्यूब होगा। लेकिन इसमें कहीं भी आपको कोई भी ज्वाइंट नहीं दिखाई देता है, इस वजह से इस मैन्युफैक्चर्ड वर्कपीस की स्ट्रेंथ बेटर होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बेटर स्ट्रेंथ मिलता है आपको। तो ये सीमलेस ट्यूब फॉर्मिंग इज पॉपुलर एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू मशीनिंग, बिकॉज इट इज सेव्स मटेरियल एज वेल एज इट वेस्टेड इन बोरिंग ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ये कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है और वेरी पॉपुलर प्रोसेस है। देखिए ना, आसान है ना, किसी चीज़ को आप हीट प्रोवाइड करो तो वो आपका बिलेट बन जाएगा हॉट मोल्टन मेटल का। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मैंड्रेल उसे पियर्स कर दो, यानी कि ड्रिल कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका सर्कुलर कैविटी बन जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, बड़े बड़े राउंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पाइप हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ का पाइप हो गया। सो हॉट पियर्सिंग इंक्लूड्स अ रोटरी पियर्सिंग टू ऑब्टेन फॉर्म ट्यूब बाय पियर्सिंग अ पॉइंटेड मैंड्रेल थ्रू दी बिलेट इन स्पेशली डिजाइन रोल्ड बी। द रोटरी पियर्सिंग कैन बी परफॉर्म इधर ऑन टू हाई रोलिंग मिल और ऑन अ थ्री हाई रोलिंग मिल। तो इस पियर्सिंग के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपको टू हाई रोलिंग मिल का यूज़ करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब देखा था रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर एक अपर रोलर और लोअर रोलर हम अगर यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टू हाई रोलिंग मिल, और अगर तीन रोलर का यूज़ करते हैं तो क्या उसे कहते हैं, थ्री हाई रोलिंग मिल। तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपको ये दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टू रोल्स आर सेट एट एन एंगल टू ईच अदर, द बिलेट अंडर द रोल इज डिफॉर्म एंड अ कैविटी फॉर्मेशन इज
इनिशिएटेड एट द सेंटर ड्यू टू टेंशन स्ट्रेस। ठीक है, वही बात है, फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे मैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको ये समझा चुका हूँ। सो प्रोफाइल शेप ऑफ द मैंड्रेल असिस्ट एंड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। ठीक है, तो ये जो मैंड्रेल का शेप होता है वो आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है एक कैविटी मैन्युफैक्चर करने। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस। हाँ, तो जैसे हमने प्रीवियस देखा था कि रोलिंग में जो जो डिफेक्ट्स होते हैं, तीन टाइप के डिफेक्ट्स देखे थे हमने, आपको याद होंगे तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए नीचे। आज हम देखेंगे हॉट पियर्सिंग के डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला डिफेक्ट यहाँ पे आता है कि आउटर फोल्ड, द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप प्रेजेंट्स अ लेयर्ड फोल्डेड स्पायरल। ठीक है, जो हॉट मोल्टन मेटल होता है वो क्या होता है, समटाइम जैसे आप उसमें मैंड्रल इंसर्ट करते हो तो वो फोल्ड हो जाता है। तो ये जो डिफेक्ट है वो हमें एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट आता है कि एक्सटर्नल स्केरिंग। ठीक है, एक्सटर्नल स्केरिंग, स्कार्स ऑन दी आउटर सरफेस, स्कार्स मतलब स्क्रैचेस। ठीक है, आउटर सरफेस पे आपके स्क्रैचेस आ सकते हैं। उसके बाद पॉप सरफेस। ठीक है, पॉप सरफेस ये तीसरे टाइप का डिफेक्ट है। स्टील सरफेस शोड अन इवन पीट्स, पीट्स का मतलब होता है स्मॉल होल्स इन दी सरफेस ऑफ वर्क पीस। ठीक है, पीट्स का क्या मतलब होता है कि इसका जो वर्क पीस होता है हॉट मोल्टन मेटल, उस पर क्या होता है अन इवन पीट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स आ जाते हैं। तो इसे इस डिफेक्ट को कहते हैं पॉप सरफेस। चलिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में देखते हैं, हॉट स्पिनिंग। इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है कि हॉट स्पिनिंग इज द प्रोसेस इन विच अ प्रेशर एंड द प्लास्टिक फ्लो इज यूज टू शेप द मटेरियल। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यूज प्रेशर यूज करते हैं और मटेरियल का प्लास्टिक फ्लो का यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मेटल टू फोर्जिंग टेम्परेचर एंड देन फॉर्मिंग इट इन टू डिजायर्ड शेप ऑन स्पिनिंग लेथ। देखिए, ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं ना, सब कौन से प्रोसेस देख रहे हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो डेफिनेटली आपको एक जो आपका वर्क पीस होगा पहले हीट करना तो पड़ेगा ही। ओके, क्योंकि आप ये जो भी प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव कैरी आउट कर रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या कर रहे हो, मेटल को हीट कर रहे हो फोर्जिंग टेम्परेचर तक, फिर उसे शेप दे रहे हो क्योंकि वो अब ईजिली बेंड हो सकता है क्योंकि वो अभी सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, इस फिगर को नोट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि ये प्रोसेस को यूज़ करने के लिए आपको लेथ, स्पिनिंग लेथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको स्पिनिंग लेथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा, एक हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है। ठीक है, हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, इस दोनों के बीच में आप वर्क इसको फिक्स करते हो विद द हेल्प ऑफ मैंड्रेल। ठीक है, तो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर है लेथ का। तो इसी में क्या करते हैं, एक शीट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, शीट बीइंग स्पिन, एक शीट को इंसर्ट करते हैं और इस लेथ को रोटेट किया जाता है। जैसे ही लेथ रोटेट होगा तो विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टूल, ठीक है, जिसे कहा जाता है स्पिनिंग टूल, इस टूल के हिसाब से, इसके हेल्प से इस मटेरियल के शीट को शेप दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हॉट स्पिनिंग। देखिए, इसके नाम में ये है हॉट और स्पिनिंग, गर्म करना और स्पिन करना, इसके हेल्प से आपको मटेरियल को फॉर्म करना है। और एक फिगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, देखिए इस लेथ के चक में ये हमने वर्क पीस फिक्स किया है और यहाँ पे रोलर की हेल्प से इसे हम शेप दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हीटिंग टॉर्चेस भी है जिसके वजह से ये मटेरियल को क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। सो द पार्ट्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर मेड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो सिर्फ जो सर्कुलर सेक्शन के मटेरियल के वर्क पीस जो होते हैं सिर्फ वही इस प्रोसेस में मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इसे लेथ पे फिक्स कर रहे हो, लेथ रोटेट हो रहा है, तो जो भी वर्क पीस आपका फॉर्म होगा वो क्या होगा, सर्कुलर शेप का ही होगा। ठीक है,
आप कोई स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन या अदर ट्रायंगल सेक्शन इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आप फॉर्म नहीं कर सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। स्पिनिंग में भी इधर हॉट और कोल्ड एंड इट इज जनरली कैरिड ओवर अ स्पिनिंग लेथ। ठीक है, अगर ये हीटिंग टॉर्च के हेल्प से इसे आप प्री क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव लेके जाते हो वर्क पीस को और फिर इसे प्रोसेस करते हो तो उसे क्या कहेंगे हम, हॉट स्पिनिंग। और अगर विदाउट टॉर्च, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे आप इसे वर्क पीस को डायरेक्टली शेप करोगे तो उसे क्या कहते हैं हम, कोल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं। आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा गया कि हॉट स्पिनिंग के बारे में एक्सप्लेन करो तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे, स्पिनिंग ऑफ वर्क पीस अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और अगर कोल्ड स्पिनिंग के बारे में कहा जाएगा तो आपका स्पिनिंग क्या होगा, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, समझ में आया आपको डिफरेंस। इन बोथ केसेस द मटेरियल इज फॉर्म टू फ्लो ओवर अ रोटेटिंग शेप बाय प्रेशर ऑफ ए ब्लंट टूल। ठीक है, इस ब्लंट टूल को अब स्पिनिंग टूल भी कहा जाता है। हैविंग थिक एज पॉइंट होता है इसे, ठीक है, एक एज होता है या पॉइंट होता है एक्चुअली, ठीक है, प्रीवियस फिगर में मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ दिस ब्लंट टूल अगेंस्ट द डिस्क कंट्रोल द जनरेटेड हीट विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग फोर्सेस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हमने दो प्रोसेस देखे, एक हॉट पियर्सिंग और दूसरी हॉट स्पिनिंग। ठीक है, हॉट पियर्सिंग को आप सीमलेस ट्यूबिंग भी कहते हैं। तो अगर इस सेशन के बारे में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए हम यही रुकते हैं।